आप भी सूर्य कुमार यादव को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जीत हासिल करने के लिए बेईमानी पर उतर आया श्रीलंका। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार भारतीय टीम के जीत के नायक बने रहे सूर्या को कैसे श्रीलंका की भयंकर बेईमानी का शिकार होना पड़ा, कैसे चीटिंग करके जीता श्रीलंका, दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में से खतरनाक टी20 बल्लेबाज कौन है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच एक सांस रोक देने वाला मुकाबला खेला गया जहां अंत तक ये कह पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। श्रीलंका ने भारत के सामने 207 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत के 5 बल्लेबाज केवल 57 रन पर ही पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन फिर श्रीलंकाई टीम की धज्जियां उड़ाते हुए अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव ने पूरा का पूरा मुकाबला ही पलट दिया। जो श्रीलंका आसानी से टीम इंडिया को मात दे रही थी, टीम इंडिया ने जहां मुकाबले में 9.1 ओवर का सामना करते हुए केवल 57 रन बनाए थे और अपने 5 विकेट गवा दिए थे, बावजूद उसके सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल की तबाही वाली बल्लेबाजी से भारत में तगड़ा कमबैक किया था। सूर्या ने 36 गेंदों में तूफानी 51 रन बनाए थे। उन्होंने अपनी पारी में एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल 3 छक्के लगाए और 3 चौके भी उन्होंने एबी डिविलियर्स के अंदाज में एक ऐसा छक्का लगाया जिसको पूरे स्टेडियम में खड़े होकर इस्तेमाल किया गया। वहीं दूसरे छोर पर अक्षर पटेल तो जैसे मैदान पर तबाही का दूसरा नाम बनकर उभरे थे। बता दें अक्षर पटेल ही वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने मैच पलट दिया। केवल 22 गेंदों में ही इस खिलाड़ी ने ताबड़तोड़ 52 रन ठोक डाले। 20 गेंदों का सामना करते हुए इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया था जिसमें उन्होंने 2 चौके और 6 बेहद ही खतरनाक छक्के लगाए। अब भारत आसानी से जीत की तरफ अग्रसर कर चुका था, लेकिन तभी वो मोमेंट आया जिसने करोड़ों भारतवासियों का दिल तोड़ दिया। दरअसल श्रीलंका की तरफ से 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे दिलशान मधुशंका और इसी ओवर में सूर्या ने एबी डिविलियर्स के अंदाज में ऐसा छक्का लगाया था जिसने सबका दिल जीत लिया था। लेकिन फिर एक और छक्का लगाने के प्रयास में सूर्या ने बाउंड्री की तरफ गेंद मारी, लेकिन बाउंड्री पर खड़े थे हंसरंगा, उन्होंने सूर्य कुमार यादव का कैच पकड़ा, लेकिन किसी को साफ नजर नहीं आया कि वो गेंद पकड़ा ही गया था। लेकिन फिर भी अंपायर ने उंगली खड़ी की और श्रीलंका को विकेट मिल गया। लेकिन भारतीय टीम और ना ही भारतीय प्रशंसक हंसरंगा के उस कैच से खुश थे क्योंकि किसी को नहीं पता चल पाया था कि वो कैच पकड़ा भी गया था या नहीं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, हंसरंगा जैसे खिलाड़ी को ऐसा करना चाहिए था या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।